आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, मेरे प्यार वाले का भी फूल मुरझाए, ये सॉन्ग टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सॉन्ग पे गर्ल VFX वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ चुके हैं। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ ग्रीन स्क्रीन में कुछ इस तरह से। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिए हैं, वहां से आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इस बैकग्राउंड को आपको 10 से 12 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो मैंने जो शूट किया हूँ कुछ इस तरह से शूट कर रखा हूँ। जैसे सिंपल मैंने ग्रीन स्क्रीन का पर्दा लगा रखा हो बैकग्राउंड में, कुछ इस तरह से पकड़ा हूँ, नीचे की तरफ कर दिया हूँ। तो आप में इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे, जो भी लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है आपका रिमूव हो जाएंगे। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इसे लास्ट तक आपका लेकर आ जाना है। फिर से वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पर आ जाना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है लास्ट का आपको उसे यहाँ से ट्रिम टूल राइट कर देना है। तो मैं बैकग्राउंड को भी ट्रिम टूल राइट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे है, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस टाइप का है। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो इसे सबसे पहले आपको क्रॉप कर देना है। तो देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने क्रॉप कर दिया। इसके बाद जो लास्ट का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं, बैकग्राउंड को भी ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद जो आपका जो वीडियो, वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में हमारा साउंड है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस वीडियो को आपको सही से एडजस्ट कर देना है। जहाँ पर आपको ग्रीन पर्दा दिख रहा है कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले इसे जूम कर सही से एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका जो वीडियो उस वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल सो मास्क पे क्लिक करेंगे, जो ग्रीन स्क्रीन जो दिख रहा है उसे आपको ब्लैक कर देना है और आपका फेस को आपको वाइट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे लगभग एडजस्ट हो गया है। इसके बाद डन करते हैं, इसके बाद ओके करते हैं। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आपको सही से एडजस्ट नहीं हुआ तो सिंपल फिर से क्या करना है, गर्ल वाले लड़की के लेयर पे क्लिक करना है, कुछ इस तरह से इसको जूम कर देना है। अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, आईडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।